Welcome to The Law. In this video, I'll be discussing about Zia Khan's suicide case. So let's start. जैसे कि आपको पता है, जिया खान एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्टर थी जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया था, जैसे कि निशब्द, गजनी और भी बहुत सारी मूवीज़ में. सो शी वॉज फाउंड हैंगिंग इन हर अपार्टमेंट इन जूहू, मुंबई इन 2013. हर मदर राबिया खान फाउंड हर बॉडी एंड रिपोर्टेड द केस टू द पुलिस. जिया खान के तब बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली, जो भी एक बॉलीवुड एक्टर हैं, और एक सन ऑफ आदित्य पंचोली एंड जरीना वाहब वॉज अरेस्टेड इन रिलेशन टू द केस 7 days आफ्टर द जिया खान बॉडी वॉज फाउंड हैंगिंग. सूरज पंचोली को बेल ग्रांट कर दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अ मंथ लेटर फ्रॉम द अरेस्ट. जिया खान की जो मदर थी राबिया खान, उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी थी एलिजिंग फाउल प्ले इन हर डॉटर्स डेथ. 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये केस ट्रांसफर कर दिया था सीबीआई को टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. 2015 में सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल करी थी और सूरज पंचोली को चार्ज करा था अंडर सेक्शन 306, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, बट द एजेंसी रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी फॉर मर्डर. सीबीआई ने ये चार्जेस सूरज पंचोली पे तब लगाए थे जब उन्हें एक 6-page लेटर मिला था जिसमें जिया खान ने क्लियरली मेंशन करा था अबाउट फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल अब्यूज एलिजली एट द हैंड्स ऑफ सूरज, विच इंस्टिगेटेड जिया खान टू कमिट सुसाइड. 2016 में जिया खान की मदर ने राबिया खान ने एक पिटीशन फाइल करी थी जिसमें उनकी डॉटर की डेथ का इन्वेस्टिगेशन हो बाय एसआईटी, बट द बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिस द प्ली. इन 2018 चार्जेस फ्रेम करे थे सूरज पंचोली के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 306, और इन द ईयर 2021 केस जो है दोबारा से रीअसाइन किया गया था स्पेशल सीबीआई कोर्ट को टू डिसाइड अपॉन इट. 2022 में राबिया खान ने एक और पिटीशन फाइल करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में सीकिंग फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इन द केस ऑफ हर डॉटर्स डेथ, बट दिस पिटीशन वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. फाइनल वर्डिक्ट इन 2023 अप्रैल मंथ में, अभी रिसेंटली स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था सूरज पंचोली को ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस. एंड जज एएस सैयद ने क्लियरली कहा था द एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली वॉज वेग एंड जनरल एंड देर वॉज नो स्पेसिफिक ओवर्ट एक्ट विच कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट सूरज पंचोली टू रिफ्लेक्ट द एक्टिव अबेटमेंट. उन्होंने ये भी कहा था कि जिया खान वॉज अ विक्टिम ऑफ हर सेंटिमेंट्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द केस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू द केस. What is abetment? Abetment क्या होता है? Abetment means to instigate someone to do something in a certain way. According to section 107 of the Indian Penal Code, a person abets the doing of a thing who instigates any person to do that thing or engages with one or more other person in any conspiracy for the doing of that thing. Thirdly, intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. In case अगर कोई person को कन्विक्ट करा जा रहा है फॉर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, तो उसकी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 306 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में दिया गया है, जिसमें उस पर्सन को 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी लगेगा. ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है. अब ये समझते हैं कि एबेटमेंट ऑफ सुसाइड इतना हार्ड क्यों होता है प्रूफ करना. सो एबेटमेंट ऑफ सुसाइड रिक्वायर्स अ क्लियर क्रिमिनल इंटेंट, और इसके साथ साथ एक्टिव और डायरेक्ट एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन होना जरूरी है विच लीड्स टू सुसाइड. सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ काफ़ी बार क्लियर कर रखा है कि जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होंगे हर एक केस के, उसको एक्सटेंसिवली एग्जामिन करना जरूरी है. इन चित्रेश कुमार चोपड़ा वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, द कोर्ट अपॉइंट दैट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू प्रोवोक, इनसाइट एंड इनकरेज ऑफ दैट डूइंग एक्ट. So in order to prove that the accused abetted the suicide of a person, it has to be recognized that there was a clear criminal intent and active or direct act of instigation leading to suicide, as I have already mentioned this thing. So conclusion, it can be concluded that it is impossible to lay down any straight jacket formula while dealing with the cases of suicide, and each case has to be decided on the basis of its own fact and circumstances. So abetment of suicide ko prove karna with a simple formula is not an easy task, क्योंकि हर एक पर्सन की suicidability pattern different होती है हर एक पर्सन से. Conviction of an accused is only possible when the accused has made a positive act which forces the victim to take his or her own life. So
ये चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब एक क्लियर क्रिमिनल इंटेंट होगा और एक्टिव और डायरेक्ट एक्ट ऑफ इंस्टिगेशन लीडिंग टू सुसाइड, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है. दिस वॉज ऑल अबाउट द रिया खान सुसाइड केस. सो फॉर मोर सच कंटेंट फॉलो आवर पेज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.